नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से मां का पुकार, ये पूरा लोग बैठा है, बंगाल के लोग बैठा है, तो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलने मांगते। ये चुपचाप बैठा हुआ है, त्रिभुजी बन के आते रहा, भारत में अंतर अंतर में गांव गांव जंगल भेज दिया गया। आज संसद में जमकर गरजते नजर आए अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जमकर क्लास लगा दी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट का जिक्र किया तो राहुल गांधी के पोस्ट का भी जिक्र किया। जबकि अब जो अंतरिम सरकार बनाई गई है बांग्लादेश में, उसे लेकर क्या दोनों ने कहा और क्यों राहुल गांधी जो है गाजा पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति को लेकर कुछ भी कहते नजर नहीं आ रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने जमकर कांग्रेस की क्लास लगाई और सिर्फ अनुराग ठाकुर नहीं, बीजेपी के एक और सांसद ने राहुल गांधी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस को जमकर घेरा। पहले एक बार आप सुनिए क्या कह रही है अनुराग ठाकुर, क्या उनका कहना है और उसके बाद हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहाँ पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके, जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं, उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आग्रह नहीं करते हो। तो जैसा कि आपने अनुराग ठाकुर को सुना, उन्होंने शुरुआत ऐसे की कि जो है नई सरकार आई है, नई सरकार अब जो है अंतरिम सरकार बनी हुई है, इसे लेकर पीएम मोदी द्वारा ट्वीट किया गया, पीएम मोदी ने जो है पोस्ट किया और उन्होंने उस पोस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने इस पोस्ट का जिक्र कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार को लेकर अपनी तरफ से बातें कही। उन्होंने बताया अपनी तरफ से कि उन्हें क्या कहना है, नहीं कहना है, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी वहां पर जो अल्पसंख्यकों के साथ जो चीजें हो रही है, अल्पसंख्यकों के साथ जो वहां पर अगर आप कहेंगे कृत्य हो रहे हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया। और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि किस तरीके से वहां की सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अपने जो हिंदू है वहां पर, उन्होंने उसका जिक्र किया, उन्होंने कुछ छुपाकर बीटिंग अंडर द बुश वाला काम नहीं किया, उन्होंने बाकायदा जो है पोस्ट जो है लिखा है, जिस पोस्ट में हम आपको पढ़ के बता देते हैं जिसका अनुराग ठाकुर जिक्र कर रहे थे, उसमें उन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश में जो है ये पोस्ट उन्होंने डाल रखा है, इंग्लिश में जो है उनका ये ट्वीट है जिसको मैं हिंदी अनुवाद करके आपको बताता हूँ। लिखा है कि मेरे बेस्ट विशर जो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ है कि उनको नई जिम्मेदारियां मिल रही है, हमें ऐसा लगता है कि चीजें जो है जल्दी नॉर्मल हो जाएगी और वहां पर जो हिंदू हैं उन्हें पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जो माइनॉरिटीज जो है कमिटीज के लोग हैं उनको भी पूरा जो है प्रोटेक्शन जो है उनकी सुरक्षा दी जाएगी, इंडिया जो है बांग्लादेश के तरफ काम करता रहेगा और जो भी दोनों तरफ के लोगों के इंस्पिरेशन उसको फुलफिल करेगा पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। यानी यहाँ पर हिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया है, इस चीज़ को लेकर उन्होंने जो है कहा है कि हाँ हम इस पर आगे काम करते रहेंगे और आगे हम सोचते रहेंगे इसको लेकर। यानी उन्होंने किसी भी तरीके से कोई अगर आप कहेंगे कि अलग थॉट या ऐसा कुछ नहीं दिया, उन्होंने एग्जैक्टली वो कहा जो उनको ऐसा लगता है, जैसा कि अनुराग ठाकुर ने बताया।
लेकिन राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट किया है कॉन्ग्रेचुलेशन टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑन बीइंग स्वॉन एज द हेड ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। यही कि उन्हें वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि वो इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर जो है उनको अब गद्दी पर बैठने का मौका मिला है। अ स्विफ्ट रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मल इज नीड ऑफ द आवर, यानी नॉर्मल हो जाए, पीस हो जाए, ये इस वक्त की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ जो रहा है, उन्होंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। इसी चीज के बारे में अनुराग ठाकुर कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर इनके होंठ सिल जाते हैं, उस पर ये बात नहीं करते हैं। गाजा को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं और इन सब मामलों पर बात नहीं करते हैं। गाजा को लेकर जो है राहुल गांधी ने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिख रखा था, जिस पोस्ट को उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया, लेकिन उस पोस्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर उन्होंने गाजा को लेकर जो है पोस्ट किया था, वहां पर कहा था कि बहुत सारे थाउजेंड सिविलियंस को मारा जा रहा है, बच्चों को भी गाजा में मारा जा रहा है, उनको जो है कितनी परेशानी हो रही है, पे पानी नहीं है, खाना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, मानवता के अगेंस्ट है, ये क्राइम है, हमास जो है छोटे इनोसेंट इजराइल्स को जो है लेकर जा रहा है, उसके बाद हॉस्टेज कर रहा है, क्राइम है, और इसे जो है देखना चाहिए, जो इस तरीके से जो साइकिल है वायलेंस का इसराइल और फलस्तीन में, उसको खत्म करना चाहिए। तो यहां पर वो जिक्र कर रही हैं इनोसेंट सिविलियंस के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिनको मारा जा रहा है, लेकिन अपने देश में जो चीज का जिक्र हो रहा है, जब हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो हिंदू शब्द लिखने में इन्हें तकलीफ हो रही है। वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी हमास को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट करती थी, लेकिन ये बात अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल सही कही है कि जब बात बांग्लादेश की आई है तो इनके द्वारा पोस्ट नहीं किया जाता है, हिंदू लिखने में इन्हें दिक्कत और तकलीफ है, कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। अब अनुराग ठाकुर यही कह रहे हैं कि गाजा को लेकर तो लंबा चौड़ा पोस्ट कर देते हैं, लेकिन जब बात बांग्लादेश की आती है तो इनके होंठ सिल जाते हैं, जब बात हिंदुओं की आती है तो इनके होंठ सिल जाते हैं, क्योंकि उसे लेकर ये पोस्ट नहीं करेंगे, उसे लेकर ये ट्वीट नहीं कर सकते, ये इनके तरफ से है। अब इसी को लेकर जो है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको कहा कि लगातार जो है इस मामले को लेकर बयान देखने के लिए मिल रहा है, विष्णुपद राय बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी बांग्लादेश के मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस और को जमकर घेरा है। क्या कह रही हैं वो जरा देखिए। मेरा पिताजी 1946 में ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश से जान बचाने के लिए भाग के आया था पश्चिम बंगाल में, फिर मैं अंडमान गया था किसी कारण से। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से माँ का पुकार, ये पूरा लोग बैठा है, बंगाल के लोग बैठा है, चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलने मांगते, ये चुपचाप बैठा हुआ है, त्रिभुजी बन के आते रहा, भारत में अंतर अंतर में गांव गांव जंगल भेज दिया गया, और राजाकार बांग्लादेश लोग माँ को चित्कार पुकार सुनता नहीं है, रोना पिटना मृत्यु काटना लूट रहा है, चार तलाबी से बच्चे लोग जाम करके मृत्यु अपहरण कर रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी, सीपीएम पार्टी, तृणमूल पार्टी सब मिलके बांग्लादेश धिक्कार करे, बांग्लादेश के विरुद्ध में आलोचना करे, चर्चा करे, ये बांग्लादेश के विरोध प्रकाश करे, ये लोग मुख लगा नहीं, पाकिस्तानी आओ, बांग्लादेश आओ, इंडिया पाकिस्तान बनाओ, इनके विचार कर रहा है। मैं विरोध करता हूँ इस कारण से, तृणमूल नहीं बोलेगा, कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी मुंह नहीं खोलेगा, वोट बैंक, बांग्लादेश आओ, पाकिस्तानी आओ। मैं अनुरोध करूंगा पूरा पार्लियामेंट इसका विरोध करके एक पत्र को भारत को बार बार से बांग्लादेश भेजे पार्लियामेंट से, एवं अनुरोध है। तो जैसे कि आपने देखा और जैसे कि सुना, विष्णुपद राय भी ये कह रही है कि बंगाल के अंदर जो है जो माँ की चीख है वो सुनाई नहीं दे रही है, जैसे लेकर न तृणमूल कांग्रेस, ये सब सब कुछ चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर इन्हें बोलना चाहिए, कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को, सीपीआईएम को, सबको इस मामले को लेकर कंडेम करना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ ये जो हो रहा है गलत है, लेकिन ये कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोट बैंक है, वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए, कहीं अगर बोल दिया तो वोट बैंक कहीं और चला ना जाए, तो वोट बैंक की राजनीति के लिए इन सब ने चुप्पी साध रखी, और वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो अब देखिए कि बैक टू बैक दो बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस की, विपक्ष की पोल खोल कर रख दी, और उनकी जो है अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से जो राहुल सोनिया का जो एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, उसकी धज्जियां उड़ा दी कि ये नेता गाजा पर लंबे चौड़े पोस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने देश में जो स्थिति है, अपने देश में जो सिचुएशन है, अपने देश में जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि लोग भड़के हुए हैं, लोगों में गुस्सा है इस चीज को लेकर, लेकिन
इस पर उनको कोई दया नहीं आते, इस पर लेकर उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वहां पर, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति इनके लिए ज्यादा मायने रखती है। और जैसा कि विष्णुपद रॉय भी कह रही है, अनुराग ठाकुर भी कह रही है कि जब हिंदुओं की बात आती है, जब बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थिति की बात आती है, तो इनके होठ सिल जाते हैं, इन्हें कुछ बोलने में दिक्कत होने लगती है और ये कुछ बोलते नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।